स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो सेकंड लेसन है, जिसका नेम आप सभी बच्चों को मालूम है, टीशू। इस लेसन में हम लोग कनेक्टिव टीशू के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसी कनेक्टिव टीशू में हम लोग इस टाइम सपोर्टिव कनेक्टिव टीशू के बारे में जान रहे हैं। तो इस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मैंने कल आप लोग को कार्टिलेज के बारे में बताया था। मैंने क्लियर भी आपको किया था कि किस किस प्लेस पर कार्टिलेज हमारे बॉडी के फाउंड होते हैं। चलिए आज हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करें, और आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बोन। तो बोन के बारे में जाने, तो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको जाने, तो बताया जाता है ए लॉन्ग बोन हैज़ टू पार्ट। आप जानते हैं कि बोन लॉन्ग होते हैं, और जो लॉन्ग बोन होते हैं वो जो होते हैं, लॉन्ग बोन हैज़ टू पार्ट, उनके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, और कॉम्पैक्ट बोन इपिफाइसिस एंड बोन मैरो। क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन इपिफाइसिस एंड बोन मैरो। तो कॉम्पैक्ट बोन जिसे हम इपिफाइसिस बोलते हैं, और बोन मैरो, यही दो पार्ट होते हैं जो हमारे बोन के पास होते हैं, इपिफाइसिस एंड बोन मैरो, ठीक ना। इसको बताया जाता है इट हैज़ बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। और जो बोन में बोन सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ये आप याद रखें। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैट्रिक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं उनके जो मैट्रिक्स होते हैं, जो फ्लूइड होता है, उसी में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन? ऑस्टियोसाइट। तो अगर आपसे पूछता है कि बोन्स जो होते हैं आपके बॉडी के, या बोन जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, वो उनको बनाने वाली कौन सी सेल होती है, तो आप आंसर देंगे ऑस्टियोसाइट। जैसे मैंने कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स के बारे में कल आप लोग को बताया था, कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स होती है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, याद जरूर होगा आप लोग को। तो उसी तरह अगर बोन के बारे में पूछता है तो बोन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको आप क्या बताएंगे, तो आप बताइएगा ऑस्टियोसाइट्स, ठीक ना। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये भी मैंने अभी बताया। इस जो बोन होते हैं उनमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है कॉम्पैक्ट बोन के, उसी में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन इज अ नॉन फ्लेक्सिबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टिश्यू। बोन एक नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब आप समझ ही रहे हैं, मुड़ने वाला नहीं होता है, बहुत मुड़ नहीं सकता है, और वेरी स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, और बहुत ही मजबूत टिश्यू होता है, ठीक ना। दीज सेल्स आर अरेंज इन अ सर्कुलर पैटर्न, और जो सेल्स होती है एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं अराउंड द कैनॉल। कैनॉल के बीच में एक ट्यूब होगा, और उस ट्यूब के अराउंड ये जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं, और जिस कैनॉल के सराउंडिंग जब सेल्स अरेंज होती हैं तो इट इज़ कॉल्ड हेवर्सियन सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हेवर्सियन सिस्टम। मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये जितने भी सेल होते हैं एक सर्कुलर पैटर्न में होंगे, और आप समझ रहे हैं, और सर्कुलर पैटर्न में होंगे तो बीच में गैप होगा, और वो गैप जो होगा वो एक ट्यूब बनाएगा, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कैनॉल। और कैनॉल के सराउंडिंग जब सेल्स अरेंज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज हेवर्सियन सिस्टम, तो आप बताएंगे दिस सिस्टम इज फाउंड इन बोन रीजन एंड दिस सिस्टम इज फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ बोन सेल्स इन सर्कुलर पैटर्न अराउंड द कैनॉल। क्लियर हो गया ना, बता लेना आप लोग। इसके बाद बताया गया है कि द आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। बोन को जो आउटर लेयर सराउंड किया रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। द न्यू बोन सेल्स आर गिवन ऑफ फ्रॉम दिस लेयर ऑफ द बोन। जो न्यू सेल जो बोन्स के होते हैं आर गिवन ऑफ फ्रॉम दिस लेयर ऑफ बोन्स। इस लेयर ऑफ बोन से जो न्यू बोन सेल होते हैं वो गिवन ऑफ होते हैं,
ठीक ना। इसके बाद द मैट्रिक्स ऑफ बोन हैज कैल्शियम सॉल्ट, और जो बोन का मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूड होता है, उसमें आपके कैल्शियम सॉल्ट्स फाउंड होते हैं, ठीक ना। इन द सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन देयर इज अ हॉलो स्ट्रक्चर कॉल्ड बोन मैरो। जो बोन का सेंटर होता है लॉन्ग बोन का, उसमें हॉलो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक ना। इट हैज फैट, इसके पास फैट होता है, एंड कनेक्टिव टिशू और कनेक्टिव टिशू होते हैं। इट इज येलो इन कलर, और यह येलो कलर का होता है। बोन मैरो जो रीजन होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड येलो बोन मैरो, इसलिए इसे हम येलो बोन मैरो भी कहते हैं। इस तरीके से हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड येलो बोन मैरो, अतः यह येलो बोन मैरो भी कहा जाता है। ये बात हो गई। द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन कॉल्ड एपिफाइसिस, जो बोन का एक्सट्रीम पार्ट, ऊपरी जो पार्ट होते हैं, उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। इट हैज स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, और जो बोन का टिप वाला रीजन जो होता है वो थोड़ा सा फूला होता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्पेस एंड इरेगुलर कैविटी, यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एयर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, और यहाँ पर जो कैविटी होती है वो इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। इट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन मैरो, और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर के पास जो हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन मैरो, आल्सो कॉल्ड रेड बोन मैरो। इसका एक अनदर नेम भी होता है रेड बोन मैरो। तो स्पॉन्जी बोन मैरो को हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो, बिकॉज ऑफ अपियरेंस सच एज इन रिब्स, बिकॉज ऑफ अपियरेंस सच एज इन रिब्स स्कल टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन, क्योंकि इनका जो अपियरेंस होता है वो कहाँ, सच एज जैसे कि इन रिब्स में होता है, स्कल में होता है, टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। कौन, रेड बोन मैरो, वह उस रीजन में ये प्रेजेंट होता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे क्या है, तो आगे बताया गया है बेटा कि लोकेशन, तो स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जो स्केलेटन होते हैं ऑर्गेनिज्म के, हमारे बॉडी के, उसमें आपका बोन मैरो बोन्स पाए जाते हैं, इनका लोकेशन हो गया। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, ये नॉन फ्लेक्सिबल एंड टफेस्ट टीशू ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के टफेस्ट टीशू होते हैं। इसके बाद फंक्शन, द बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी, बोन और कार्टिलेज मिलकर हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके बॉडी का स्केलेटल सिस्टम किससे बना है, तो आप बताना बोन और कार्टिलेज से, ठीक ना। हेंस अतः इट गिव अ प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, और स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही हमारे बॉडी का एक प्रॉपर शेप प्रदान किया जाता है, ठीक ना। द स्केलेटल सिस्टम बोन एंड कार्टिलेज प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, जो स्केलेटल सिस्टम में जो बोन और कार्टिलेज मिलकर बनाते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन को फ्रॉम इंजरी से। एग्जाम्पल में स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जैसे में स्कल जो होता है यह प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, वैसे ही अदर जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके आगे और समझते हैं, इसके अगर आगे हम समझते हैं, कॉम्पैक्ट बोन स्टोर कैल्शियम सॉल्ट, जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट को, ठीक ना। येलो बोन मैरो स्टोर फैट्स, जहाँ पर येलो बोन मैरो होता है वहाँ पर फैट स्टोर्स होते हैं, ठीक ना। रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, रेड बोन मैरो जो होते हैं वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, देयर फोर इट इज रेड, और इसीलिए रेड होते हैं। अगर कोई पूछेगा रेड बोन मैरो रेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। एक नोट याद रख लीजिए, कार्टिलेज एंड बोन आर आल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड सपोर्टिव कनेक्टिव टीशू, कार्टिलेज और बोन दोनों को
मिलाकर हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। अगर कोई पूछेगा हमारे बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा बोन होता है, ठीक ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊँगा, जिसके बाद यह लेसन का नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बचा रहेगा, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।